दोस्तों आज हम जानेंगे अक्षय कुमार यानी कि राजीव भाटिया की ऐसी सच्चाइयों के बारे में जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अक्षय कुमार का जन्म हुआ था 9 सितंबर 1968 को अमृतसर पंजाब में। अक्षय कुमार इनका फिल्मी नाम है, इनका असली नाम है राजीव भाटिया। इनके पिता का नाम हरिओम भाटिया है और माता जी का नाम है अरुणा भाटिया। इनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है अलका भाटिया। इनके पिता सेना में थे लेकिन सेना की नौकरी बीच में ही छोड़कर उन्होंने यूनिसेफ में अकाउंटेंट की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। अक्षय यानी कि राजू के परिवार ने अमृतसर भी छोड़ दिया और वे परिवार सहित आकर दिल्ली में बस गए। दिल्ली के चांदनी चौक में रहकर राजीव भाटिया बड़े हुए। अक्षय का बचपन से ही पढ़ने में कोई खास रुचि नहीं थी। बचपन में पढ़ाई न करने की वजह से उनके पिता से बहुत मार भी खाई थी। यूनिसेफ में नौकरी के दौरान ही उनकी पोस्टिंग मुंबई में हो गई। मध्य मुंबई के कोलीवाड़ा नाम के एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा पंजाबी रहते हैं। राजू का परिवार उसी एरिया में जाकर बस गया था। स्कूलिंग की बात करें तो राजू की पढ़ाई डॉन बॉस्को स्कूल में हुई थी और आगे की पढ़ाई मुंबई की गुरु नानक खालसा कॉलेज से हुई, लेकिन पढ़ाई में दिलचस्पी ना होने की वजह से पढ़ाई उन्होंने बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद राजीव भाटिया ने घर वालों को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए बोला। इसके लिए उसके माता पिता ने उन्हें परमिशन भी दे दिया। राजीव मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड चला गया। बैंकॉक में अक्षय ने 5 साल तक मार्शल आर्ट्स सीखा। इन 5 सालों में अक्षय ने बैंकॉक में सेफ और वेटर की नौकरी भी की थी। जो लोग ये सोचते हैं कि अक्षय ने गरीबी में वेटर की नौकरी की थी, इससे आप उनके लिए सहानुभूति दिखाएं तो बेकार है, क्योंकि अक्षय एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ था जिनका परिवार उसे बैंकॉक में यानी कि भारत से बाहर एक ऊंची फीस देकर मार्शल आर्ट्स सिखाने की हैसियत रखता था। और रही बात वेटर की नौकरी की, तो विदेश में जाकर भारत के स्टूडेंट्स अक्सर जेब खर्चे निकालने के लिए इस तरह की पार्ट टाइम की नौकरी करते ही हैं, जो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके लिए किसी को गरीब बोलकर या फिर समझकर उसके लिए हमदर्दी दिखाना पूरी तरह से बेवकूफी है। 5 साल के बाद जब अक्षय भारत आए तो उन्होंने यहाँ पर कलकत्ता की एक ट्रेवल एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया था। उसे कुछ टाइम के बाद दिल्ली आ गए जहाँ पर उन्होंने कुंदन की गहने बेचने का भी काम किया। लेकिन ये सारे काम करके अक्षय बस ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते थे, पर इन कामों से वो कभी भी बड़ा अमीर आदमी नहीं बन सकते थे, इसलिए उनका इनमें से किसी भी काम में ज्यादा मन नहीं लगा। इसके बाद अक्षय कुमार मुंबई आते हैं और यहाँ पर आकर वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग बच्चों को देने लगते हैं। बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाते हुए अक्षय के एक स्टूडेंट के पिता ने अक्षय से मॉडलिंग करने को कहा था। इसके लिए उस स्टूडेंट के पिता ने अक्षय की बहुत ज्यादा मदद भी की थी। दरअसल उस स्टूडेंट के जो पिता थे वो मॉडलिंग में कोऑर्डिनेटर थे, यही वजह थी कि उनकी मदद से अक्षय को उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट भी मिला जो कि फर्नीचर शोरूम के लिए था। अक्षय ने जब कम समय और कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमाए तो वो मॉडलिंग को फुल टाइम देने लगे। अक्षय कुमार जब मॉडलिंग किया करते थे तो कुछ समय तक अक्षय ने हीरो हीरोइन के पीछे बैकग्राउंड डांसर के रूप में भी काम किया था। मॉडलिंग के दौरान ही अक्षय की दोस्ती हुई पूजा बत्रा से। यहाँ से उनकी शुरू होती है जर्नी। पूजा बत्रा की बॉलीवुड में काफी जान पहचान हुआ करती थी और उसका कारण था उस समय मॉडलिंग में पूजा का एक बड़ा नाम हुआ करता था। एक्टर और डायरेक्टर पूजा को फिल्मों में लेना चाहते थे, लेकिन पूजा उस समय फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी क्योंकि वो अपना सारा ध्यान मॉडलिंग पर ही लगा रही थी। अक्षय को जब यह पता चला कि पूजा की फिल्मों में अच्छी खासी जान पहचान है तो अक्षय ने पूजा से दोस्ती बढ़ानी शुरू कर दी। पहले दोस्ती बढ़ाई, फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगा। पूजा ने अक्षय को शुरुआत में फिल्में दिलवाने में काफी ज्यादा मदद भी की थी। दीदार मूवी आप सबको याद होगी, वो अक्षय की पहली मूवी है। वो मूवी अक्षय को पूजा बत्रा की वजह से मिली थी। दरअसल दीदार फिल्म का जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर था वो था प्रमोद चक्रवर्ती, जो कि पूजा बत्रा का फैमिली फ्रेंड था। पूजा को जब पता चला कि प्रमोद अपनी किसी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं तो पूजा ने प्रमोद को अक्षय का नाम सजेस्ट किया। पूजा के सजेशन के बाद अक्षय को पहली फिल्म मिली थी। अक्षय की पहली रिलीज हुई फिल्म थी सौगंध। दीदार इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है, लेकिन अक्षय की साइन की हुई पहली फिल्म थी दीदार। वैसे सौगंध मूवी भी अक्षय कुमार को पूजा बत्रा की मेहरबानी से ही मिली थी। दरअसल सौगंध मूवी का जो प्रोड्यूसर था वो था अशोक अडनानी। अशोक के साथ में पूजा पहले से ही कई सारी एड कर चुकी थी और पूजा की सिफारिश पर ही अक्षय को सौगंध फिल्म में साइन कर लिया था। सौगंध फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जैसे ही लगी वैसे ही पिट गई। इसके बाद डांसर मूवी आई, यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई।
ये दोनों फिल्म आई थी 1991 में। 1992 में आई थी खिलाड़ी, अक्षय की पहली सुपर हिट मूवी थी। खिलाड़ी में अक्षय के साथ हीरोइन थी आयशा जुल्का। अब तक जहां अक्षय का अफेयर चल रहा था पूजा बत्रा के साथ, वहीं फिल्में मिलने और सुपर हिट होने शुरू हुई तो अक्षय ने पूजा को साइड कर दिया और खिलाड़ी फिल्म के दौरान आयशा जुल्का को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। दूसरी तरफ जब पूजा को अक्षय और आयशा के अफेयर के बारे में पता चला तो पूजा ने एक बयान में ये कहा था कि अक्षय ने फिल्मों में काम पाने के लिए उन्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। अब इस बयान से आप समझ सकते हैं कि पूजा बत्रा उस समय कितनी ज्यादा हर्ट हुई थी। लेकिन अक्षय को लगातार फिल्में मिल रही थी जिससे वो अंधाधुन पैसे कमा रहा था और साथ ही पूजा जैसी एक से बढ़कर एक लड़की वहां पर इंडस्ट्री में मिल जा रही थी, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उसे छोड़कर जा रहा है और किसे वो दुखी कर रहा है। आयशा और अक्षय का अफेयर चला लगभग 2 साल। आयशा अक्षय को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन अक्षय किसी भी तरह के कमिटमेंट में बंधना नहीं चाहते थे और यही वजह थी कि जिसके बाद दोनों का रिश्ता 2 साल के बाद टूट गया। हालांकि रिश्ता टूटने की एक वजह यह भी थी कि अक्षय कुमार का झुकाव रवीना टंडन की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। 1994 में अक्षय और रवीना ने 2 फिल्मों में साथ में काम किया था, जिसमें से एक फिल्म थी मोहरा। मोहरा के समय में ही अक्षय और रवीना एक दूसरे के करीब आने लगे थे और यहीं से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था और आयशा जुल्का साइड होती चली गई। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि अक्षय और रवीना टंडन ने मंदिर में जाकर सगाई भी कर ली थी। इस दौरान अक्षय और रवीना ने एक साथ कई फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन जब 1996 में आई फिल्म खिलाड़ी का खिलाड़ी में काम किया उस समय अक्षय कुमार के तार भिड़ गए रेखा के साथ में, जबकि रेखा अक्षय कुमार की उम्र से 13 साल बड़ी थी और इंडस्ट्री में रेखा उस समय भी काफी ज्यादा सीनियर मानी जाती थी। लेकिन इन दोनों के अफेयर उस समय की मैगजीन में खुलेआम छपा करता था। रवीना टंडन से ब्रेकअप की मुख्य वजह रेखा का अक्षय के साथ में अफेयर था। रवीना ने अपने बयान में ये तक कहा था कि उसने अक्षय और रेखा को आपत्तिजनक हालत में अपनी आंखों से भी देखा था। रेखा उनसे काफी ज्यादा बड़ी थी और सीनियर थी, इसके चलते बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। यही वजह था कि अक्षय ने अपने करियर के लिए रेखा को बिना बताए ही उससे ब्रेकअप कर लिया था। शादी से पहले अक्षय की फितरत में था कि वो एक रिलेशन में होते हुए भी दूसरी जगह मुंह मारने की आदी बन गया था। अक्षय नई नई अभिनेत्रियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता था, वो भी फिल्मों के लिए। उनसे शादी का वादा करता था और उन्हें यकीन दिलाने के लिए उनसे सगाई तक कर लिया करता था और फिर उनसे काम निकलने पर उन्हें छोड़ दिया करता था। रवीना के बाद अक्षय की लाइफ में आती है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा के साथ अक्षय का अफेयर लगभग 2 साल तक चला था। रिलेशन में रहते हुए अक्षय ने शादी का झूठा वादा किया और झूठे वादों को सच बनाने के लिए उसने शिल्पा से भी सगाई कर ली थी। शिल्पा शेट्टी के साथ भी अक्षय कुमार का रिश्ता टूट गया। एक बयान में शिल्पा ने बताया था कि अक्षय शुरू से ही उसे चीट करता था। अक्षय की आदत थी कि वो हर एक दूसरी हीरोइन को लाइन मारा करता था ताकि उसकी बात कहीं बन जाए। शिल्पा के साथ रिलेशन के दौरान ही अक्षय कुमार ने शिल्पा के दोस्त और राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना पर भी लाइन मारना शुरू कर दिया था। शिल्पा ने अपने बयान में कहा था कि अक्षय की तो फितरत है औरतों को चीट करने की, इसलिए उसे अक्षय का ज्यादा दुख नहीं है। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ट्विंकल खन्ना ने उसे धोखा दिया, वो बात मुझे बहुत चुभती है। सन 2000 में शिल्पा और अक्षय की एक फिल्म आई थी धड़कन। इसी फिल्म के दौरान इन दोनों का रिश्ता टूट गया था और यहीं से ट्विंकल अक्षय की जिंदगी में हमेशा के लिए आ गई थी। इसके बाद अक्षय ने ट्विंकल से शादी कर ली। अक्षय कुमार की फिल्मों की बात करें तो 2000 से 2001 में अक्षय की मार्केट वैल्यू आज के मुकाबले 10% भी नहीं थी। अक्षय ने 10 से 15 फिल्में फ्लॉप देने का भी रिकॉर्ड बनाया था। कोई भी बड़ा और समझदार फिल्म मेकर इसे उस दौरान अपनी फिल्मों में लेना ही नहीं चाहता था। यही वजह थी कि अक्षय छोटे फिल्म मेकरों के साथ भी फिल्म किया करते थे और छोटे फिल्म मेकरों के कारण इंडस्ट्री में टिके रहे थे। लेकिन ट्विंकल से शादी करने के बाद अक्षय के करियर में बदलाव आने लगा। अक्षय के साल में एक फिल्म हिट होने लगी और साल 2004-5 के बाद अक्षय का नाम कॉमेडी एक्टर की लिस्ट में भी शामिल हो गया और कॉमेडी में इन्हें ज्यादा सफलता भी मिलने लगी। शादी के बाद में अक्षय का नाम जुड़ा कैटरीना कैफ के साथ में। उसमें कैटरीना के साथ अक्षय की लगातार फिल्में आया करती थी, जिनमें थी हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन, वेलकम, सिंग इज किंग, दे दनादन, 30 मार खान,
इन फिल्मों के दौरान ही अक्षय का नाम जुड़ा कैटरीना कैफ के साथ, तो ट्विंकल ने अक्षय को कैटरीना के साथ में काम करने को एकदम से मना कर दिया। इसके बाद में इन दोनों ने कई सालों तक एक साथ काम भी नहीं किया था। इसके बाद साल 2021 में एक फिल्म आई थी सूर्यवंशी, जिसमें अक्षय और कैटरीना कैफ काफी लंबे समय के बाद साथ में दिखाई दिए थे। शादी के बाद अक्षय का नाम जुड़ा चित्रांगदा सिंह के साथ में। चित्रांगदा के साथ अक्षय की दो फिल्में आई थी, वो भी बैक टू बैक। पहली फिल्म आई थी साल 2011 में देसी बॉयज और दूसरी थी साल 2012 में जोकर। चित्रांगदा के साथ में अक्षय का नाम बहुत कम समय के लिए जुड़ा था, इसलिए इस लव अफेयर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा शादी के बाद अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा के साथ में भी प्यार की बीन बजाई थी। प्रियंका के अलावा अक्षय का नाम जैकलिन के साथ भी जुड़ चुका है। ये वो नाम है दोस्तों जो शादी के बाद भी अक्षय से जुड़े हैं। वैसे ट्विंकल ने प्रियंका और जैकलिन के साथ फिल्में करने की पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन अक्षय इन दोनों के साथ में काम करते रहे वो एक अलग बात है, क्योंकि अक्षय ट्विंकल की तरह अपना करियर जल्दी खत्म करना नहीं चाहते थे, इसलिए अक्षय ने अपनी ही मनमर्जी चलाए रखी। अक्षय के पास 2011 तक भारत की नागरिकता थी, लेकिन 2011 में भारतीय नागरिकता छोड़कर कनाडा की नागरिकता ले ली। आज के समय में अक्षय कुमार भारत के अंदर एक विदेशी नागरिक हैं, यानी कि NRI हैं। अब अक्षय ने 2011 में भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ी थी और कनाडा की नागरिकता क्यों ली थी, जबकि 2011 में अक्षय कुमार की फिल्में देश में सफल होने लगी थी। अक्षय ने ऐसे गोल्डन टाइम पर विदेशी नागरिकता आखिर क्यों ली, जबकि वो तो उस समय भारत के अंदर पूरी तरह से मजबूत एक्टर बन चुके थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्षय कुमार की फिल्मों को लेकर कई बार विवाद भी खड़ा हुआ। उनकी दो फिल्में रिलीज हुई थी, ओ माई गॉड और लक्ष्मी। ओ माई गॉड में जहां अक्षय ने हिंदू देवी देवताओं के वजूद पर सवाल उठाए थे, तो वहीं लक्ष्मी मूवी में लव जिहाद को बढ़ावा दिया था। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर खूब हुई। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी जो हाल में अक्षय कुमार की फिल्म अतरंगी रे आई थी, वो भी जबरदस्त फ्लॉप हुई थी। उसमें भी भगवान राम की आड़ लेकर लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया था, जिसका भारत के जागरूक नागरिक इसका बहुत ज्यादा विरोध भी किए थे। वैसे अक्षय कुमार की इन फिल्मों के बारे में आपका क्या राय है, ऐसे फिल्मों क्यों करते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अक्षय कुमार अभी हाल ही में बहुत ट्रोल हुए थे, वो था विमल इलायची की एड को लेकर। जी हाँ, फैंस ने काफी उन्हें ट्रोल किया था। अक्षय कुमार यूथ आइकन है और उन्हें गुटका के एड में देखकर उनके फैंस काफी नाराज हुए थे। इसके बाद अक्षय कुमार ने अगले दिन माफी भी मांगी थी। इसके अलावा अपकमिंग फिल्म आ रही है इनकी, वो है राम सेतु।